my name is Jordan and I teach English. First of all, I would like to say that जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, please वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारे अपकमिंग वीडियो से जुड़े रहें। और जिन्होंने भी इस वीडियो को जिस समय पर भी देख रहे हैं, उनके लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सो आज मैं आपके लिए फिर से idioms लाया हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग idioms है, आपको बड़ा मजा आएगा पढ़कर और मैं आपको याद ही कराकर रह जाऊंगा, ठीक है। सो आपको इतनी गारंटी, मतलब इतनी गारंटी कि आपको ये याद ही हो जाएगा और आप अपने कॉन्वर्सेशन में यूज करोगे। सो पहला हमारा idiom क्या है, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। क्या है दोस्तों, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। इसका मतलब क्या है, जो हो रहा है होने दो, बाद में देख लेंगे। देखो यहां पे मीनिंग भी लिखा होगा, लेट समथिंग हैपन नो मैटर व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, ठीक है, नो मैटर व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, लेट द थिंग्स हैपन, मतलब जो हो रहा है होने दो, देख लेंगे बाद में, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, ठीक है। सो हमारा पहला idiom का मीनिंग आपको पता लग गया होगा, आप कैसे यूज कैसे करोगे इसको, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, आई डोंट केयर अबाउट इट दैट व्हाट विल हैपन टू मी, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या होगा, लेकिन मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, क्लियर है। आई एम गोइंग टू टॉक टू दैट गर्ल, आई डोंट केयर अबाउट इट दैट व्हाट डज हर फादर थिंक, मतलब उसके पापा क्या सोचते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उस लड़की से जरूर बात करूंगा। लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, मतलब कि हाँ जो हो रहा है होने दो, बाद में देख लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है तुम्हारा क्या चीज, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। क्या है हमारे दोस्तों, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब कोई भी चीज कोई एक्सपेंसिव हो, बहुत ही महंगी चीज हो, हम उसके लिए कौन सा idiom यूज करेंगे, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। देखो मीनिंग लिखा हुआ, व्हेन समथिंग इज वेरी expensive, when something is very expensive, तो उसको आप क्या बोलोगे, cost an arm and a leg। अब use कैसे करोगे, I want to buy a laptop, so for that I will have to pay an arm and a leg, clear है दोस्तों। so मैं एक और चीज बोल सकता हूं, if you want to buy a camera of Sony, so you will have to pay an arm and a leg, clear। so एक और आप एग्जांपल दे सकते हो, इफ यू वांट टू बाय अ लैपटॉप, सो इट विल कॉस्ट यू, कॉस्ट आप यूज कर सकते हो, इट विल कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग। अगर आप लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो ये बहुत महंगा पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे, इफ यू वांट टू बाय अ लैपटॉप, इट विल कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है, आपको याद हो गया होगा। और जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, आई वांट टू बाय अ कैमरा ऑफ सोनी, सो सोनी का कैमरा बहुत महंगा होता है, आपको ही पता है, सो क्या बोलूंगा मैं, so I will have to pay an arm and a leg, मतलब मुझे बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे और ये मुझे expensive पड़ेगा, ठीक है, क्या पड़ेगा, expensive, महंगा, ठीक है। next है a stone's throw, क्या है दोस्तों, a stone's throw, बहुत अच्छा idiom है, आप ये use करना अपने conversation में बहुत अच्छा लगेगा और दूसरों को भी देखने में सुनने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए a stone's throw में क्या बोलोगे, very near, मतलब बहुत ही नजदीक, जैसे कि योर हाउस इज अ stone's थ्रो फ्रॉम my इंस्टीट्यूशन, सो यू कैन कम एट एनी टाइम, क्लियर। सो यहां पर आपने एक घर का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं हर स्कूल इज अ stone's थ्रो फ्रॉम योर हाउस, क्लियर, हर स्कूल इज अ stone's थ्रो फ्रॉम योर हाउस, ठीक है। सो यहां पर आप एक एग्जाम्पल क्या है, उसका घर क्या, स्कूल क्या है, तुम्हारे घर के नजदीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि माई इंस्टीट्यूशन इज अ स्टोन थ्रो फ्रॉम योर हाउस, मतलब मेरा इंस्टीट्यूशन आपके घर के नजदीक है, ठीक है ना, आपके घर के नजदीक है। सो मेरा इंस्टीट्यूशन किसके घर के नजदीक है, आपके, सो मैं क्या बोल रहा हूं, माई इंस्टीट्यूशन इज अ स्टोन थ्रो फ्रॉम योर हाउस, ठीक है, सो यू कैन कम एट एनी टाइम, क्लियर। सो नेक्स्ट है तुम्हारा क्या चीज, लीव नो स्टोन अनटर्न, क्या बोलेंगे, लीव नो स्टोन अनटर्न, तो आप इसको कैसे यूज करोगे, यहां पर बोलते नहीं कि लाइक एडी चोटी का जान लगा देना, मतलब पूरा जो भी पॉसिबल तरीके हैं वो करना, तो उसको क्या बोलोगे, लीव नो स्टोन अनटर्न, जैसे कि टू डू एवरीथिंग यू कैन, टू डू एवरीथिंग यू कैन टू अचीव योर गोल, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल तरीका है वो कर सकते हो, करिए, मतलब एडी चोटी का जान लगा देना, इसे बोलते हैं कि हाँ भी कुछ भी करना, जैसे कि आई वॉन्ट टू मैरी हर, so I will leave no stone unturned to get married to her. Did you get me? Clear? So next है तुम्हारा जैसे कि हाँ, I will leave no stone unturned to
टू गेट सक्सेस, मतलब मुझे अगर सक्सेस पाना है तो मैं कोई भी पॉसिबल तरीका मैं करूंगा, मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। सो यानी कि एड़ी चोटी का जान लगा दूंगा, सक्सेस पाकर ही रहूंगा कुछ भी करके, ठीक है। सो मैं क्या बोलूंगा, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू गेट सक्सेस, क्लियर है दोस्तों। सो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, मतलब कुछ भी मतलब कि जो हो रहा होने तो हम बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब क्या है, महंगी चीज है, जैसे कि कुछ भी चीज महंगा तो आप बोल सकते हो कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। नेक्स्ट है अ स्टोन्स थ्रो, अ स्टोन्स थ्रो का क्या मतलब है दोस्तों, मतलब नजदीक होना कोई चीज। नेक्स्ट अगर आपका घर नजदीक है मेरे इंस्टीट्यूशन से तो आप बोल सकते हो योर हाउस इज अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माय इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब क्या है यहाँ पे, लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब कोई भी मतलब पॉसिबल तरीका करना किसी चीज को पाने के लिए, मतलब कुछ बहुत ज्यादा मेहनत करना किसी चीज को, यहाँ पे लिखा हुआ टू डू एवरीथिंग, कुछ भी करना, ठीक है। सो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद न्यू idioms, थैंक यू सो मच।